तो कल के दिन कोई भी व्लॉग नहीं आया था चैनल पे, और परसों ददा लोग भाभी लोग आ गए थे हल्द्वानी से पूजा के लिए। तो आज है हमारी पूजा। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा, 10-15 किलोमीटर डूनी भंडारी गोलू देवता के मंदिर में, और हमारे यहाँ भी एक पूजा है, तो उसके लिए हम लोग रेडी हो गए हैं सुबह सुबह। और कल भी आज भी थोड़ा बहुत काम वाम में थे, तो इस वजह से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, सभी को स्वागत है आपका स्नेहा माई के एक नए दिन नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, हम लोग भी बढ़िया। तो ऐसा कुछ है, मौसम बढ़िया करके धूप ऊप आ गई है इधर साइड, और थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। गाड़ी तो आ भी चुकी है नीचे पे और हम लोग रेडी हो रहे हैं। तो काफ़ी बिजी बिजी सा शेड्यूल चल रहा है इस टाइम पे, और फटाफट अभी बकरियों में पानी वानी डालते हैं, और काइनू भी रेडी है, नमो भी रेडी है, और 5 मिनट में बस निकलने ही वाले हैं डूनी को। तो डूनी जा रहे हैं कौन कौन? नमो कौन कौन जा रहे हैं? चाची, हाँ मम्मी, चाची मम्मी, नमो, शिवांश, दादा और मैं, और काइनू भी, और बाकी तो मेरे साथ बाइक में, ठीक है। और बाकी पापा लोग यहाँ वाले मंदिर में हैं, और थोड़ी देर में निकलते हैं। तो ये हैं बकरियाँ, और सबसे बड़ी यही वाली है। दादा भी रेडी है, भाभी, नम्मो, शिवान सब रेडी, स्नेहा भी रेडी, मम्मी और पापा तो घर पे ही हैं, और एक ये वाली भी है, ये वाली बकरी है, और एक इधर भी है ये वाली। इनमें से दो तो जा रही हैं भंडारी गोलू देवता मंदिर, और ये वाली हमारे यहाँ वाले मंदिर। तो ये वाली जो है ये जाएगी हमारे यहाँ वाले भंडारी गोलू देवता मंदिर में। आ जा नमो, हाँ हाँ बाइक में जाएगा रे। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी, कब से आए हुए हैं ड्राइवर यार। और तो ये आ गई है गाड़ी, और ज़्यादा लोग नहीं है इस वजह से ऑल्टो में ही जा रहे हैं। पीछे दो बकरियाँ डालनी है, और नम्मू और मैं तो बाइक से ही जा रहे हैं वैसे भी, तो हो ही जाएगी, 3-4 ही लोग हैं। तो ये गाड़ी बुक कर रखी है हमने, और सब लोग बस बैठ रहे हैं, निकल ही रहे हैं। टाइम हो रहा है अभी, 8 भी नहीं बजे हैं। तो सब लोग जा रहे हैं गाड़ी से, नम्मू और मैं जा रहे हैं बाइक से, बस निकलने वाले हैं। पीछे पे लगी हुई है गाड़ी है। तो हम लोग पहुंच गए हैं डूनी, और यहीं पे है डूनी का भंडारी गोलू देवता का मंदिर। अभी दिखाते हैं आपको। पूजा लगभग कंप्लीट हो ही गई है हमारी, बस 5-10 मिनट में फ़ोटोज वोटोज करके निकलते हैं। अब ये भाभी और स्नेहा का भी चल रहा है फ़ोटोशूट, और काइनू शिवांश भी हैं। शिवा ओए ओए, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, फोटो आए हैं वो। तो पंडित जी ने दे दी है खिचड़ी, तो बोल रहे हैं कि बिना खिचड़ी खाए मत जाओ। दादा लगा रहा है खिचड़ी, सब लोग अब खा पी के ही निकलते हैं। तो फाइनली पूजा निपट गई है, और निकल रहे हैं हम लोग अब घर को, और टाइम हो रहा है 9:30। हम लोग भी पहुंचने वाले हैं घर पे, एक मंदिर और है ना, तो वहां भी जाना है हमने अभी पूजा में। बस पहुंच ही गए हैं, 10 बजे का टाइम हो रहा है, और हम लोग डूनी वाले मंदिर में तो करके आ गए हैं। सुबह जब से उठे काम वाम में ही लगे थे, फिर सीधे गए डूनी मंदिर में, पूजा वूजा की, वहाँ बकरे वकरे कटे, उसके बाद सीधे घर आए हैं। और अभी घर पे काम वाम चल रहा है, पूड़ियाँ बन रही है, खाना पीना जो भी बन रहा है, और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं जो यहाँ का जो मंदिर है वहाँ पे भी पूजा वूजा करके आते हैं। फिर शाम को आएंगे, जिनको निमंत्रण दिया है वो लोग आएंगे खाना खाने, और वैसे ज़्यादा नहीं है निमंत्रण, 3 बकरियाँ थी और निमंत्रण है, निमंत्रण की 40-50 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और तो जो भी हो, धूप इतनी खतरनाक कड़क वाली हो रखी है ना, डेंजर धूप हो रखी है। तो अभी जा रहे हैं हम हमारे यहाँ के बनहरगुल जी मंदिर में, तो वहाँ पूजा वूजा करके आते हैं, फिर उसके बाद ही होगा खाना पीना।
तो यार अभी सुबह सुबह आपको नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रहा हूँ। कल का जो व्लॉग था आपने देख ही लिया, कुछ ऐसा ही रहा क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, बिजी से चल रहे थे, मतलब व्लॉग शूट करने का ना बिल्कुल टाइम सा ही नहीं था, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया और थोड़ा सा मन भी नहीं था। परसों वैसे ही व्लॉग नहीं आ पाया था और ये वाला व्लॉग वैसे ही छोटा रहेगा, तो आज से रेगुलर व्लॉग आने स्टार्ट हो जाएंगे। बीच में एक दिन का गड़बड़ हो गया है, नहीं तो आजकल रोज़ व्लॉगिंग चल रही थी। कोई नहीं, तो ऐसा ही था, पूजा वगैरह सब बढ़िया करके हो गया। बाकी इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। नया व्लॉग भी शूट करना है, आज का व्लॉग जो रहेगा उसकी शुरुआत करनी है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।